दोस्तों आज दुनिया के दो शहर हैं जिनको ट्रेड हब के रूप में दुनिया जानती है, ये है हांगकांग और सिंगापुर। ये दोनों आइलैंड सिटी दुनिया के कुछ अमीर शहरों में गिने जाते हैं। अगर हम हांगकांग की बात करें तो ये एक ना एक दिन चाइना का कम्प्लीटली पार्ट बनेगा। अभी फिलहाल इसको कुछ फ्रीडम मिला हुआ है, जबकि सिंगापुर के केस में ऐसा नहीं है। सिंगापुर एक आजाद देश है और रहेगा। जब हांगकांग कम्प्लीटली पार्ट बनेगा चाइना का, तो बहुत से इन्वेस्टर वहां से निकलना चाहेंगे। तो इस मौके का फायदा दुनिया का हर देश और हर एक बड़ा शहर उठाना चाहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट हांगकांग से निकल रहा है वो अपने शहर या फिर कहूं देश में लाए उस इन्वेस्टमेंट को। बट ये इतना आसान नहीं होगा। सिंगापुर जैसा शहर आसानी से इस इन्वेस्टमेंट को ग्रैब कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन, जो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट में से एक के पास है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मलक्का स्ट्रेट। बट इसी रूट में एक और आइलैंड आता है जो सिंगापुर को चैलेंज दे सकता है। इसके पास क्षमता है सिंगापुर जैसे ट्रेडिंग हब को रिप्लेस करने की। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, या फिर कहूँ ग्रेट निकोबार आइलैंड। इंडिया अपने सबसे स्ट्रेटजिक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करने जा रहा है। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी, बट ये मुमकिन होता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा शहर बनाना जो सिंगापुर हांगकांग जैसे ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्टिंग हब को रिप्लेस कर सके, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये सिंगापुर जैसे शहर को रिप्लेस कर सके। भारत सरकार का बहुत पहले से ये प्लान था कि एक शहर होना चाहिए जो इंटरनेशनल सिटी के रूप में जाना जाए। तो ऐसे शहर को डेवलप करने के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार आइलैंड को चुना गया। जब ब्रिटिश हांगकांग को चाइना के हवाले करके जा रहे थे, तो उस टाइम जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर थे उनको डर था इसी बात का कि अब उनका क्या होगा जब चाइना का इस शहर पे कंट्रोल होगा। बट यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि 2047 तक हांगकांग एक फ्री कंट्री रहेगा, इसको ऑटोनॉमी मिलेगी। यहाँ की करेंसी, यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिपेंडेंट रहेगी। सिर्फ फॉरेन अफेयर के मामले में चाइना का पूरा कंट्रोल रहेगा। तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने सोचा क्यों ना एक ऐसा शहर विकसित किया जाए जो फ्यूचर में हांगकांग को रिप्लेस कर सके एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब के रूप में। उस टाइम इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे फंडिंग का इशू और सबसे बड़ी चुनौती थी एनवायरनमेंट की। वैसे एनवायरनमेंट की चुनौती तो आज भी एग्जिस्ट करती है। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया, लेकिन फाइल्स ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। बट हाल ही में भारत सरकार को एहसास हुआ कि ये कितना जरूरी होगा भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 को नीति आयोग ने अपना विजन रिप्रेजेंट किया इस आइलैंड के डेवलपमेंट को लेकर के। तो इस आइलैंड के रिगार्डिंग सरकार का क्या विजन है, इस पे बात होगी। उसके बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया है अभी, उसके बारे में भी बात होगी। अभी के टाइम भारत सरकार ने $5 बिलियन का एक मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है ग्रेट निकोबार आइलैंड को लेकर के। तो इसके डिटेल में जाने से पहले देख लेते हैं नीति आयोग का यहाँ पे क्या विजन है। वेल, इस आइलैंड का साइज 910 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है ढोलेरा SIR स्मार्ट सिटी के। बट यहाँ पे 90% से ज्यादा हिस्सा जंगल से कवर है, जो कि एक बड़ी समस्या है। अभी के टाइम नीति आयोग का जो प्लान है, इसमें 244 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को डेवलप किया जाना है। पहले फेज में 22 स्क्वायर किलोमीटर का एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, एक मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, साउथ जोन में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, एक पावर हाउस, वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा यहाँ पे कुछ टाउनशिप को भी डेवलप किया जाएगा। तो इनिशियल फेज में ये कुछ मेन स्ट्रक्चर है जिनको डेवलप किया जाएगा। उसके बाद यहाँ और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा, जैसे टूरिज्म के लिए रिजोर्ट, होटल्स या फिर मॉल्स। सो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में डेवलप करने का एरिया डिसाइड किया गया है, उनमें से 130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया काफी घना जंगल है जिसको डाइवर्ट किया जाएगा कहीं और। सो ये तो एक बेसिक नॉलेज है सरकार के विजन के बारे में। अभी जो बड़ी अपडेट निकल के आई है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने $5 बिलियन के मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करेगी 40,000 करोड़ रुपए के मेगा पोर्ट को डेवलप करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने इसके बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि लगभग $5 बिलियन की लागत के साथ इस पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें फंडिंग के लिए गवर्नमेंट और PPP मॉडल को शामिल किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनके रेडी हो जाएगा तो बताया जा रहा है लगभग 16 मिलियन कंटेनर्स को हैंडल कर सकता है ये हर साल, जो कि एक ह्यूज नंबर है। इसका जो पहला फेज होगा उसमें 4 मिलियन कंटेनर्स को हैंडल करने की क्षमता होगी। ये पोर्ट लोकेटेड होगा इंटरनेशनल ट्रेड रूट पे, जहाँ पे पहले से सिंगापुर, कोलंबो, क्लांग जैसे बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मौजूद हैं। वैसे जो हम पोर्ट डेवलप करेंगे उसकी मैक्सिमम क्षमता होगी 16 मिलियन कंटेनर्स पर ईयर हैंडल करने की। लेकिन अगर दुनिया के सबसे बड़े
शिपमेंट पोर्ट की बात करें तो यह है सिंगापुर का, जिसकी क्षमता 37 मिलियन कंटेनर्स पर ईयर की रिकॉर्ड की गई 2020 में, जो कि एक ह्यूज नंबर है। चाइना का शंघाई पोर्ट भी इसी लिस्ट में शामिल है। दोनों में नंबर एक के लिए बैटल जारी रहता है, बट यहां ग्रेट निकोबार पोर्ट के पास वो क्षमता रहेगी दुनिया के बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में से एक बनने की। इसकी सबसे बड़ी वजह होगी यहां की स्ट्रेटजिक लोकेशन, जिसको एक प्राइम लोकेशन बोला जा सकता है। यहीं से ऑलमोस्ट दुनिया का सारा ट्रेड गुजरता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके अलावा ये पोर्ट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी के टाइम में इंडिया के 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को बाहर के पोर्ट हैंडल करते हैं। इसके चक्कर में हमारा 200 से 222 मिलियन डॉलर बाहर चला जाता है हर साल। इसके बनने के बाद ये बाहर के कंटेनर्स को तो हैंडल करेगा ही, साथ में हमारे कंटेनर्स को भी हैंडल करेगा। अभी जो हमारी निर्भरता है कोलंबो सिंगापुर जैसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे, वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड का शेयर भी बढ़ेगा। ये एक ह्यूज बूस्ट होगा ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए। इसके डेवलप्ड होने से इंडिया को एक एज मिलेगी चाइना पे। जाहिर सी बात है, चाइना इतने बड़े ट्रेडिंग हब को यहाँ पे तो दिखना नहीं चाहेगा, खास करके जब उस पे कंट्रोल इंडिया का हो। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये पोर्ट कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। अगर हम जूम करें तो यहाँ ग्रेट निकोबार आइलैंड के साउथ में ग्लाथिया बे दिख रहा होगा, जो ग्लाथिया नेशनल पार्क के साउथ में है। इसी बे की गहराई लगभग 20 मीटर की बताई जा रही है, जो कि बेस्ट है पोर्ट के लिए। तो यहाँ पे इस पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। 2021 में जब नीति आयोग ने अपना विजन प्रेजेंट किया था, तो सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस लोकेशन पे इस तरह का डेवलपमेंट किया जा सकता है। वो भी एक या दो साल के अंदर काम शुरू भी हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। इससे पता चलता है कि इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और सरकार यहाँ पे कितनी ज्यादा सीरियस है। अभी भी कहूँगा चुनौती तो बहुत है और ये चुनौती रहेगी एनवायरनमेंट की। देखते हैं सरकार कैसे बैलेंस बनाती है विकास और एनवायरनमेंट के बीच। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको कैसे इसमें शामिल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।